अस्सलाम वालेकुम। आई डॉक्टर मोहम्मद अकरम, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। आज मैं अपने इंतहाई मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ और मेरे ताबे आमिर शरीफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से उसकी सक्सेस स्टोरी आपको बताता हूँ। आमिर शरीफ साहब ने ईस्टर्न मेडिसिन यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ से किया, जब मैं वहाँ पे चेयरमैन था। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा से उन्होंने एमफिल किया। उसके बाद वो एक जॉब थी जो कि मुख्तलिफ जगह से डेटा कलेक्ट करना होता था आओ खान की, तो पहले भी वो मेरे फ्रेंड्स की तरफ थे, जैसे फ्रेंड्स होते हैं और गपशप होती है, इसी तरह वो यहाँ पे फैसलाबाद में आए। और फैसलाबाद में आए तो वो कहने लगे कि मुझे जो है वो जापान जाना है। तो उसमें प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान गनी साहब जो है वो ज़िंदा थे, तो मैंने उनको कहा और वो सीवी भी उनकी बड़ी अच्छी थी और वो मेरिट के लिहाज से भी ज़बरदस्त है, उनका मेडल भी बनता था, फिर उन गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। तो उन्होंने वहाँ का टेस्ट पास किया और मेरिट की बेस पर वहाँ गए। तो इसको पाकिस्तानी, जो पहला पाकिस्तानी जो ईस्टर्न मेडिसिन का है, जो स्कॉलरशिप इसको मिला है, वो किसी और को अभी तक नहीं मिला ईस्टर्न मेडिसिन से। बाकी उनका जो काम भी है वो ज़्यादातर न्यूरोसाइंस पे है, तो बड़ा कामयाब जो है वो जा रहा है और आप बड़े हैप्पी हैं, स्कॉलरशिप बहुत अच्छा मिल रहा है, बल्कि वो घर वालों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ईस्टर्न मेडिसिन में अगर आप आते हैं और स्ट्रगल करते हैं तो आपको यकीनन कामयाबी मिलती है। तो आई एम प्राउड ऑफ डॉक्टर आमिर शरीफ फ्राम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू वेरी मच।